हमने यूपी में अपनी पार्टी के नेतृत्व में चार बार रही सरकार के दौरान यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए और उसमें भी खासकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, कर्मचारियों, किसानों व अन्य मेहनतकश लोगों के हित एवं कल्याण के लिए भी अनेकों अति महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके अब देश में दूसरी पार्टियों की सरकारें नकल करके व नाम एवं थोड़ा स्वरूप आदि बदलकर भुनाने में लगी है, किंतु उनकी जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच होने की वजह से उनका इन्हें सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और अब तो इनको केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से मुक्ति दिलाने की बजाय तथा रोटी रोजी व रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराने की गारंटी देने की बजाय इन्हें फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार व मोहताज और बनाया हुआ है। जबकि हमने यहाँ यूपी में अपनी पार्टी के नेतृत्व में चार बार रही सरकार के दौरान इन लोगों को वर्तमान सरकारों की तरह अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज न बनाकर बल्कि इन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में रोटी रोजी एवं रोजगार आदि के साधन उपलब्ध करा के व इनकी गारंटी देकर काफी हद तक इनको अपने पैरों पर खड़ा भी किया है। साथ ही इन्हें मान सम्मान व स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने का भी काफी मौका दिया है, जो वर्तमान में हमें कहीं पर भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा अपने इन सब कमियों पर पर्दा डालने के लिए जिस प्रकार से धर्म व संस्कृति की आड़ में राजनीति की जा रही है, तो उससे अपने देश का संविधान एवं लोकतंत्र मजबूत नहीं बल्कि कमजोरी होगा। ऐसी स्थिति में आज मैं अपने जन्मदिन के खास मौके पर व मीडिया के जरिए इन सभी दुखी एवं पीड़ित लोगों से व विशेषकर बहुजन समाज के सभी वर्गों से, अर्थात दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों से ये कहना चाहूंगी कि वे अपनी रोटी रोजी व रोजगार आदि के लिए तथा मान सम्मान एवं स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने व अपनी वर्तमान एवं आगे आने वाली पीढ़ी की बेहतरी के लिए भी अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के बताए हुए रास्तों पर चलकर अपनी एकमात्र हितेशी पार्टी बीएसपी को हर मामले में जरूर मजबूत बनाना है तथा जिनके हित व कल्याण के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित की है। साथ ही केंद्र व राज्यों की भी सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान में दिए गए संविधानिक कानूनी अधिकारों का भी सही से पूरा लाभ लें, तभी फिर वास्तव में इन वर्गों के लोग अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार के समय में काफी कुछ करके भी दिखाया है, जबकि कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी सहयोगी पार्टियां भी, जिनकी सोच, सिद्धांत एवं कार्यशैली पूर्ण रूप से जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व सामंतवादी भी है, ऐसी ये पार्टियां सत्ता में बने रहकर इनको कभी भी
अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखना नहीं चाहती है। ऐसे में फिर इन सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों के चलते इनका सही से पूरा विकास में उत्थान आदि नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि देश में एससी एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों एवं अन्य और क्षेत्रों में भी आरक्षण दिए जाने की संविधान में जो व्यवस्था की गई है, तो उनका भी अब इन विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा अन्य और मामलों में भी इनकी लगभग यही खराब व दयनीय स्थिति बनी हुई है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर देश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों तथा बहुजन समाज के सभी वर्गों के लोगों को बीएसपी से जुड़ना तथा इन्हें फिर सत्ता तक पहुंचना बहुत जरूरी है। किंतु इन्हें यहाँ ये बात भी जरूर ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके तो उसके लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियाँ अंदर अंदर एक होकर वे किस्म किस्म के सांप दांप दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती हैं, जिनसे इन्हें हर स्तर पर सावधान रहना होगा तथा गुमराह भी नहीं होना है। और इस मामले में ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है, जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट वह विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और इसके कुछ खास उदाहरण ये हैं कि यहाँ यूपी में सन 1993 में हुए विधानसभा के आम चुनाव सपा से गठबंधन करके लड़ने से बीएसपी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी, जबकि सपा को इसका ज्यादा लाभ पहुंचा था। उसके बाद सन 1996 में बीएसपी ने यूपी में हुए विधानसभा का आम चुनाव कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके लड़ा था, जिसमें पार्टी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को ही ज्यादा फायदा हुआ था।
तो तब फिर बीएसपी ने यहाँ सन 2002 में विधानसभा के हुए आम चुनाव अकेले ही लड़ा था, जिसमें पार्टी की पहली बार यहाँ 67 से बढ़कर लगभग 100 सीटें जीत कर आई थी, जिसमें दो हमारे विधायक सिंबल ना मिलने की वजह से समय से इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे। उसके बाद सन 2007 में यूपी में विधानसभा के हुए आम चुनाव में बीएसपी ने फिर से अकेले चुनाव लड़कर यहाँ अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना ली थी, जबकि उस समय ये चुनाव ईवीएम से ही हुआ था, जिसमें शुरू में कोई धांधली व बेईमानी आदि नहीं हो पाई थी। साथ ही यहाँ लोकसभा आम चुनाव में व देश के अन्य राज्यों में भी अकेले चुनाव लड़कर खासकर वोट प्रतिशत के हिसाब से पार्टी की काफी अच्छी स्थिति रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अब हर चुनाव में ईवीएम में काफी धांधली व बेईमानी आदि हो रही है, ऐसी यह आम धारणा है, जिसकी खास वजह से अब हमारी पार्टी को भी यूपी सहित पूरे देश में काफी कुछ नुकसान हो रहा है, जबकि इसके बावजूद भी हमारी पार्टी ये सोचकर देश में सभी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ती है कि पता नहीं कब ईवीएम में धांधली व बेईमानी आदि करने वालों का सिस्टम फेल हो जाए, तो तब फिर संबंधित चुनाव में सही रिजल्ट आ सकता है। हालांकि अब ईवीएम के विरोध में काफी आवाजें भी उठने लगी हैं, ऐसे में ये सिस्टम कभी भी खत्म हो सकता है।